इवनिंग का टाइम हो रहा है और मैं यहाँ पर थोड़ा सा है ना, मतलब यहाँ पर है ना एक दो दिन साफ़ नहीं करो ना टीवी के पास तो धूल इतनी सारी हो जाती है, तो बस उसको ही साफ़ कर रही हूँ। और टीवी को भी मैंने साफ़ कर लिया था, एलईडी को, तो मतलब है ना उसको सूखे कपड़े से ही साफ़ करती हूँ मैं, क्योंकि हमारा जो पहले एलईडी था तो वो मैं गीले कपड़े से करती थी ना, तो उसका कलर ख़राब हो गया था, तो बस मैं उसको सूखे कपड़े से ही साफ़ करती हूँ। और बच्चे हैं ना, मैं क्या बताऊँ आपको कि कितना भी मैं घर को साफ़ रखूँ पर ये बच्चे हैं ना मतलब फैला ही देते हैं, तो है ना बेड पे पूरा है ना मतलब तकिए मतलब ये सब ऐसे पटक रखे थे उसने। और ये सोनी है ना मुझे इतना परेशान करती, देखो मैं है ना सोच रही हूँ जल्दी से कर लूँ पर वो मुझे इतना दुड़ा रही है, आप खुद ही देख सकते हो। और उसके सोनी के पापा भी बहुत मतलब बोल रहे हैं कि हाँ सोनी करो करो मस्ती करो। देखती है ना कि मैंने मोबाइल रखा है और चालू है कैमरा, तो है ना ऐसे ही भाग भाग के मुझे परेशान करती है। और यहाँ पर है ना ये सब है ना बच्चे इतना फैलाते हैं, शाम का टाइम है और मतलब सुबह एक बार कर लो फिर शाम को कर लो, बार बार है ना मतलब ऐसे करना पड़ता है मेरे को, क्योंकि ये क्या है मेरे बच्चे हैं लोग अभी छोटे हैं ना, तो मतलब खुद से तो कुछ नहीं करते हैं पर फैला के ज़रूर चले जाते हैं। और आप सोनी को देख ही सकते हो बीच बीच में इतनी दौड़ भाग कर रही है ना, काम तो मुझे बिल्कुल नहीं करने देती है और अगर मैं कुछ करने चाहूँ ना तो ये करने नहीं देती है, बीच में इतनी भाग दौड़ मचाती है। और वीडियो तो बिल्कुल सोचती है कि नहीं बनना है, क्योंकि जैसे ही मैं रखती हूँ ना कैमरा तो वैसे ही दौड़ दौड़ के इधर से उधर भागेगी और कैमरे को उठा के फेंक देगी या ऐसे करेगी, तो बस यही चलता रहता है। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि सोफ़े के कवर हैं, ये सब भी है ना मतलब सुबह भी लगाओ और शाम को भी लगाओ, दो टाइम तो लगाना ही पड़ता है क्योंकि है ना बच्चे हैं वाला घर है तो फैल जाता ही है। और कितना भी अगर अपन साफ़ रखो ना तो मतलब ये हर हाउस वाइफ के साथ होता होगा कि मतलब बच्चा वाला घर रहता है ना तो वो फैल ही जाता है कितना भी कुछ कर लो। यहाँ आप देखो कितनी मतलब मस्ती कर रही है और आप देख ही सकते हो कि मतलब नाइट का टाइम हो चुका है, वो यहाँ अंधेरा हो गया है, मतलब बज रहा है 7, तो मैं सोच रही हूँ कि फटाफट कर लूँ और मैं खाना भी बना लूँ, पर है ना क्या करूँ मैं, ये सोनी के मारे है ना मैं बहुत परेशान हूँ। और आप देखेंगे ना तो यहाँ पर मम्मी का व्रत है 11 का, तो मम्मी है ना फरियाल करने के लिए लेके आए हैं, तो बस वो फरियाल करेंगे, तो मुझे उनको देख के मतलब हंसी आ गई कि उनने कहीं कैमरे की तरफ तो नहीं देख लिया, पर शायद उनका ध्यान नहीं गया। और सोनी को भी खिला लेते अपने साथ, और मेरे साथ तो बिल्कुल नहीं खाती, अपनी दादी के साथ ही खाते हैं वो। और मम्मी क्या करते हैं मतलब मेरे तो तीनों बच्चों को नहीं खिलाना सिखाया है, बस सोनी ही अभी नहीं खाती है, ये तो रियांश में तो खा लेते थे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो अभी हो चुकी है सुबह, तो बस सुबह आप सब जानते ही हो कि सुबह झाड़ू ही लगती है, तो बस मैं सुबह सुबह झाड़ू लगा रही हूँ यहाँ पर, तो है ना मेरा है ना मतलब सुबह उठ के मैं जब नहा के आती हूँ ना नीचे, तो सबसे पहले मैं झाड़ू लगाती हूँ पूरे घर की नीचे की, ऊपर की तो मैं है ना बाद में जब मैं जाती हूँ थोड़ी देर बाद मतलब 1-1.5 घंटे बाद जब मैं लगाती हूँ, सुबह उठते ही सबसे पहले मैं यहाँ झाड़ू लगा लेती हूँ और फिर हाथ के साथ ही मैं यहाँ पर पोछा भी लगा लेती हूँ। और यहाँ पर है ना हमारी जो फ्रिज है ना उसमें कांच लगा हुआ, तो बस मैं उसको ही देख रही हूँ कि मतलब मेरा फेस ठीक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो बस उसको ही देख रही थी मैं। और यहाँ पर है ना पास में ही मंदिर वाला रूम है, तो उसमें भी मैंने पहले ही झाड़ू वहाँ से निकाल ली थी, तो बस इधर ही मुझे मतलब सामने ही लगाना था, तो बस मैं सामने ही लगा रही हूँ झाड़ू। और आप देख ही सकते हो, और हर लेडीज़ का काम है सुबह सुबह मतलब घर को मतलब बासी झाड़ू लगाना, तो बस मैं भी वही कर रही हूँ कि यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ। और हर मतलब मैंने हर घर को देख रखा है, सुन रखा है कि मतलब सब उठते ही सबसे पहले अपने घर में झाड़ू लगाते हैं, बिस्तर उठाते हैं, तो आपने ये देखा है कि यहाँ तो मेरा सब क्लीन मैंने रात में करा था और अभी थोड़ा सा मैंने कर भी लिया था, और अभी मैं पूरे घर की यहाँ पर मतलब हॉल की झाड़ू लगा लूँगी।
और मैं ना मतलब बाहर भी है तो वहाँ पर भी लगा लेती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए कितने सारे कपड़े धोने के रखे हुए हैं, बस अब इनको ही धोना है मुझे। तो चलिए फ्रेंड्स, तो बने रहिए मेरे वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज सोनी को 1.5 साल का टीका लगा है, तो अभी वो सो रही है। और आज दिन भर से है ना मतलब इतना परेशान किया, सुबह का जो मैंने काम था ना वो तो मतलब कर लिया। मुझे नहीं पता था कि आज उसको टीका लगेगा, फिर उसकी चाची ने आके बताया कि आज टीका लगने वाला है। तो फिर मैं लेके गई ना, जब से मतलब मैं मेरा काम इतनी बड़ी मुश्किल से कर रही हूँ ना, और आप देखेंगे ना तो मैंने चोटी भी नहीं करी और ऐसे कैसे बैठी हूँ, जस्ट बस भी सोई है, इतना रो रही है। और ये देखिए सो रही है और कुछ भी खाया पिया नहीं उसने, और ऐसे ही सो गई। इतना दर्द हो रहा है ना, मतलब बहुत रो रही है। तो फ्रेंड्स, मेरी दीदी का भी चैनल है राजशिवानी सोनकर, तो आप मेरे कमेंट में जाके उन्हें ज़रूर देखना और उन्हें भी सपोर्ट करना फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो यहीं तक का है, तो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। और तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय।